गुड मॉर्निंग एथ क्लास हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर सेवेंटीन स्टार एंड द सोलर सिस्टम स्टार के बारे में हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द सोलर सिस्टम द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन द एट प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉल हेवनली बॉडीज सच इज एस्टेरॉइड कॉमेट्स एंड मीटियोर्स जो सोलर सिस्टम है वो सन से एट प्लान से उनके सेटेलाइट से बहुत सारी हेवनली बॉडीज से कॉमेट्स और मिट्योर्स से मिलकर बना है द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट द सन होल्ड देम टूगेदर बाय इट्स स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल इन अदर वर्ड्स द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट सन के अंदर सन हमेशा सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के और सन में एक ऐसी ग्रेविटेशनल पावर है जिससे कि अट्रैक्शन है कि वो अपने आसपास सेले बॉडीज को जो अट्रैक्ट करके रखता है और वो होल्ड होकर वहां पर रिवॉल्व करती रहती है द एट प्लानिट्स इन देर ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर जो सन से एट प्लैनेट्स हैं वो स्टार्टिंग से हैं मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून इनका जो ऑर्डर है वो हमेशा ऐसा ही रहता है सन के सबसे पास मरकरी होता है और सबसे दूर नेपच्यून होता है यू कैन रिमेम्बर दिस ऑर्डर बाय माई वेरी एफिशियंट मेड जस्ट सर्वड एज अस न्यूडल्स तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं मर्करी का एम वी वीनस इर्थ एम मास जे जुपिटर एस सेटर्न यू यूरेनस और एन नेपच्यून या आप लिख सकते हैं इसको एम वी एम ई एम जे सन तो जो आपको याद रहे जिस तरीके से भी आप इस ऑर्डर को याद रखेंगे द सन इज द नियरस्ट स्टार टू द अर्थ ऑल द प्लैनेट्स एंड सलेयल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन सो द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम सन जो है वो अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है और सारे प्लैनेट्स और सेलिस्ट्रियल बॉडीज इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं और इसीलिए ये सोलर सिस्टम का हेड है इफ वी कंपेयर द सन विद अदर स्टार वी फाइंड दैट इट इज मीडियम साइज एंड इज एवरेज ब्राइटनेस इट अपियर्स टू बी लार्जर एंड ब्राइटर बिकॉज इट क्लोजर टू द अर्थ देन एनी अदर स्टार अगर हम सन को कंपेयर करें स्टार के साथ तो ये मीडियम साइज का होता है और इसकी ब्राइटनेस एवरेज होती है स्टार्स जो होते हैं वो इससे और बिगर होते हैं और ये बिगर दिखाई देता है लेकिन स्टार इससे बिगर होते हैं क्योंकि अर्थ से जो स्टार हैं, वो बहुत दूर हैं और जो असन है वो बहुत नजदीक है द सन इज ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस द मेजर गैसेज आर हाइड्रोजन एंड ही सन पे गर्म गैसेस का एक बड़ा सा बॉल है जिसमे की हाइड्रोजन और ही मेन गैसेज है द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन साइड द सन रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा होता रहता है हाइड्रोजन एंड ही के साथ तो उसकी वजह से वो बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स लाइट फ्रॉम द सन टेक्स एन एवरेज ऑफ एट मिनट्स एंड ट्वेंटी सेकेंड्स टू रीच द अर्थ सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इसीलिए कहते हैं और जो इसको अपना सन अपनी लाइट जो है वो अर्थ तक भेजने में उसको सिर्फ आठ मिनट और बीस सेकेंड लगते हैं स्टिक्स ऑफ सन सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ 149.60 मिलियन किलोमीटर ये इसका डिस्टेंस है अर्थ से साइज है अर्थ अर्थ से एक सौ 109 गुना बड़ा है सन मास मास का मतलब होता है वॉल्यूम या इसका वेट अबाउट थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री थाउजेंड टाइम्स हेवियर देन द अर्थ डायामीटर है सन का फोर्टीन इंटू टेन रेज टू दी पार फाइव किलोमीटर टेम्परेचर क्या है द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ दन इज अबाउट फिफ्टी फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्टीग्रेट सेल्सियस वाइल द टेम्परेचर एट एट स्कोर अबाउट फिफ्टीन मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका जो टेम्परेचर है वो सरफेस का ये है और उसके कोर का टेम्परेचर है फिफ्टीन मिलियन डिग्री सेल्सियस लाइफ It is believed that sun was formed about 4.5 billion year ago. It is estimated that the sun may continue to give us light and heat let uh, to us for at least another 5 billion years. ये कहा जाता है कि साढ़े चार billion years से हमें sun जो है वो बना है और उसकी light हमें और पांच billion साल तक मिलती रहेगी Next है planets. प्लैनेट्स आर सॉलिड हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इज क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट और पाथ इन एंशियन टाइम पीपल नेम दीज प्लेट एजर्स बिकॉज दीज प्लेट चेंज देअर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स देर आर एट प्लेनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम जो प्लेनेट्स है वो हेवनली बॉडीज है जो सन के चारों तरफ इलिप्टल ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती है इलिप्टल ऑर्बिट का क्या मतलब है कि चारों तरफ उसके गोल गोल घूमती रहती है वो एक ओवल शेप में ठीक है और इसको पहले जो है पुराने जमाने में लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिए हुए थे लेकिन अब जो इनके नाम है उसमें सोलर सिस्टम को दो तरीके में डिवाइड किया गया है इनर प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं मर्करी वीनस अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल प्लैनेट दीज टेरेस्ट्रियल एंड रॉकी सरफेस विद अ फ्यू और नो सैटेलाइट रिंग सिस्टम और रिंग सिस्टम इसके यहां पर डेंस है इसका जो प्लानट है वो टेरिस्ट्रियल है क्योंकि रॉकि सरफेस है और इनके या तो बहुत कम सेटेलाइट है या नहीं है लेकिन इनमें से किसी के ऊपर रिंग सिस्टम नहीं है द फोर आउटर प्लान जुपिटर सैटन यूरेना से नेपच्यूर आर कॉल्ड जोवियन प्लान दीज प्लेनेट्स है लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज सो दीज आर कॉल्ड गैस जाइंट्स इनमें बहुत अमाउंट में गैसेस होती है इसलिए इनको गैस ज्वाइंट कहा जाता है और ये चार आउटर प्लैनेट्स हैं जुपिटर सैटर्न यूरेनस प्लेनेट एंड नेपच्यून सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द प्लैनेट्स आर गिवन बिलो क्या फीचर्स हैं अ प्लैनेट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन इनकी अपनी लाइट नहीं होती ये सन से रिफ्लेक्ट हुई हुई लाइट से शाइन करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट साइजेस अलग अलग साइज होते हैं हर प्लैनेट के अलग अलग साइज होते हैं

अपना ऑर्बिट होता है सन के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन होता है और उसका टाइम पीरियड भी रिवॉल्यूशन का अलग अलग होता है और जो उसका टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का वो इंक्रीज करता है सन के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है प्लैनेट्स आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सेस द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट हिस्स एक्सेस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन रिवोल्यूशन के अलावा वो रोटेशन भी करते हैं रिवोल्यूशन का मतलब है कि वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं लेकिन रोटेशन का मतलब है कि वो अपने ही एक्सेस पर भी लगातार घूमते रहते हैं जैसे हमारी अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट भी करती है और सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो प्लेनेट्स बाकी प्लैनेट्स भी ऐसा ही करते हैं सम प्लैनेट्स हैं वन और मोर नेचुरल सेटेलाइट प्लैनेट्स के किसी के एक या किसी के ज्यादा नेचुरल सेटेलाइट हैं अब यहां है डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट लाइट लाइट के हिसाब से स्टार हैज इट्स ओन लाइट प्लैनेट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन स्टार की अपनी लाइट है प्लेनेट जो है वो सन की लाइट से शाइन करते हैं स्टार ट्विंकल करते हैं नाइट को और जो प्लैनेट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं सनलाइट की वजह से वो ट्विंकल नहीं करते स्टार्स काउंटलेस हैं लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ एट्स हैं एट प्लैनेट्स हैं स्टार का साइज बहुत बड़ा होता है और प्लैनेट्स जो होते हैं बहुत स्मॉल साइज के होते हैं कंपेयर टू स्टार्स मोशन क्या है स्टार्स डू नॉट चेंज या रिलेटिव पोजीशन इन द स्काई स्टार जहां पर है वो अपनी ही पोजीशन पर फिक्स है जबकि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड अ स्टार और वो स्टार क्या है सन तो पहला प्लैनेट हम यहां